हेलो गाइस, वेलकम टू गेट स्ट्रॉन्गर डेली। आज बेंच सेशन था वेंसडे। मंडे के स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट वर्कआउट के बाद अभी तक बॉडी के अंदर सोरनेस प्रेजेंट थी, स्पेशली अपर बैक में, जिसकी वजह से मुझे आज लग रहा था कि थोड़ा बहुत मेरा बेंच का सेशन अफेक्ट होने वाला उससे। बट मैं आने के बाद अपना मोबिलिटी एक्सरसाइज किए, फिर उसके बाद वार्म अप चालू कर दिए। वार्म अप मेरा ज़्यादा हैवी वेट से नहीं रहता है, मैं जस्ट अपने लिंक्स को, जो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए अपने लिंक्स में, डिफरेंट मसल्स में, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ा कंपाउंड मूवमेंट बहुत लाइट वेट के साथ करता हूँ, ताकि मसल्स के अंदर ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच जाए। फर्स्ट सेट जो रहता है मेरा, वो मैं खाली बारबेल से ही चालू करता हूँ। खाली बार से ये रहता है कि मैं अपना जो वर्किंग सेट है उसको इमेजिन कर पाता हूँ, एंड जिस मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मैं वर्किंग सेट के अंदर भी इसी स्पीड एंड इसी एक्सप्लोजन के साथ परफॉर्म कर सकूँ, इवन दो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट तब भी माइंड मसल कनेक्शन यही होता है। तो जो मेरे सब्सिक्वेंट आगे प्रेपरेटरी सेट्स चल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी मैं बारबेल को अपनी चेस्ट पे लेके आऊँ, मैं उसको रेस्ट करने दूँ वहाँ पे, ताकि मैं मोमेंटम ब्रेक कर दूँ, एंड जब मेरा वहाँ से रेप चालू होता है तो वो एक एक्सप्लोसिव रेप होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसके अंदर अपना एक्सप्लोसिव पावर ही बढ़ाना है। दिस इज़ माई वर्किंग सेट। इसमें कुछ और चीज़ आपको लगेगी कि नीचे एक किला है, वो जस्ट फॉर फन था, कि एक चैलेंज था कि अपने बैक को इस तरीके से आर्च रखने पूरे सेट में, कि वो किला दबे ना। तो सेकंड सेट की बात आती है, सेकंड सेट में मुझे अनुराग कराने के लिए सपोर्ट लेनी पड़ी सर से। बाय द वे, दिस इज़ माय कोच अमन सर। फर्स्ट रेप वाज ओके, गुड। सेकंड रेप के अंदर मुझे हो गया था कि अब नहीं जाएगा आगे, बट तब भी थर्ड में मैंने अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके किया, बट मुझे अपने थर्ड रेप के लिए हिप्स उठाने पड़े, एंड मैं इसको एज अ फील्ड रेप ही काउंट करता हूँ। दिस इज़ माई लास्ट सेट, जो कि फोर्थ सेट था। आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं तीन रेप्स तो निकाल लूँगा इसके अंदर, बट ठीक है, सेकेंड रेप के अंदर मुझे ऐसा हुआ कि पता लग गया कि थर्ड रेप विल बी सेम एज द प्रीवियस वन, एंड सेम वही हिप्स उठ जाएंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलो मूविंग ऑन, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट असिस्टेंस एक्सरसाइज, जो मेरी स्पेशली अपर चेस्ट को हिट करती है, एंड इस वर्कआउट साइकिल में मैंने चेस्ट के लिए एक असिस्टेंस एक्सरसाइज इनक्लाइन डंबल प्रेस रखी है। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।